तो गाइस एक और शानदार सा दिन GTA 5 में। और गाइस अगर आपको याद होगा तो हमारे छत पे आपको एक बार दिखा होगा भाई बहुत बड़ा सा केस जिसमें भाई एक बहुत शानदार सी सुपर कार थी। और भाई उसको पाने के लिए हमें यार कुछ टास्क करने पड़े थे जो कि भाई हमने पूरा कंप्लीट भी किया था और उस सुपर कार को लिया भी था। तो उसी को खोजने के लिए यार मैं आया हूँ आज छत पे। और भाई सोच रहा हूँ यार कि अगर किसी और के छत पे भी भाई वैसा केस हमें दिखाई दे दे तो भाई यार हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। तो यार इधर आसपास तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से गाइस हमें यार बायनोकुलर से दूर दूर तक देखना चाहिए। तो रुको भाई, सबसे पहले मैं यहाँ कॉर्नर पे चला जाता हूँ और फिर भाई यहाँ हम लोग बायनोकुलर से देखते हैं। वैसे गाइस देखा जाए तो यार इस तरफ तो कहीं भी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई, बायनोकुलर से भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। भाई लगता है कि आज हमें नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक मिनट भाई, ये हमारे पड़ोसी का छत देखो गाइस। यार ये तो यार इसी के छत पे एक मस्त हमें दिखाई दे दिया केस। अरे यार इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो गया कि नीचे ही गिर गया। एक बार भाई चलते हैं छत पे। और भाई सिंचैन यार वहाँ देखो, हमारे पड़ोसी के छत पे वही वाला केस है। क्या फ्रैंकलिन भैया आप सही कह रहे हो? अरे हाँ भाई बिल्कुल, आ जाओ तुम। और गाइस मेरे को लगता है यार कि उसके अंदर और भी ज्यादा शानदार सी कार रखी हुई है। चलो फ्रैंकलिन भैया फिर हम लोग चल के देखते हैं। हाँ भाई, बस मुझे डर ये है कि कहीं यार इस पड़ोसी का मालिक अभी घर पे होगा। नहीं फ्रैंकलिन भैया, वो अभी घर पे नहीं है। अरे वाह यार, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलो भाई हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से अंदर चलने की कोशिश करते हैं। पर एक मिनट यार, ये तो यार अपना घर लॉक करके न गया होगा। और भाई हम लोग जाएंगे कैसे इसके छत पे? फ्रैंकलिन भैया ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। हाँ भाई सच में यार, कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा हमें यार छत पे जाने के लिए। वैसे ये सब तो बहुत ज्यादा ऊंचा है और मुझे नहीं लगता भाई कि हम लोग इतनी ऊंचाई यार जा पाएंगे। लेकिन एक मिनट, अगर हम लोग इस गमले पे चढ़ जाएं और गमले के बाद इस लकड़ी पे चढ़ जाएं और उसके बाद वहाँ रेलिंग पे जा सकते हैं। चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ। फ्रैंकलिन भैया कोशिश करो आप जल्दी से वहाँ पहुँचने की। और भाई यार शायद हम लोग जा सकते हैं। चलो यार फिर से एक बार ट्राई करते हैं। फ्रैंकलिन भैया आप चले जाओगे मैं जान रहा हूँ। चलो भाई तुम इतना सपोर्ट कर रहे हो तो शायद मैं जा पाऊँ। लेकिन यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इसके ऊपर जाने में, शायद से ये गमला नहीं काम करेगा। पर आप लोग देखो भाई, ये उसी तरीके का केस है यार जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा था। तो भाई हम लोग क्या करते हैं यार, कोई और रास्ता ढूंढते हैं। इधर से भी यार उतना ऊंचा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। और गाइस इधर तो यार घर ही खत्म हो गया इसका। भाई एक मिनट यार, थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। और भाई रास्ता शायद से हमें मिल चुका है। सिंचन फटाफट तैयार हो जाओ टास्क कंप्लीट करने के लिए। फ्रैंकलिन भैया सही बोलो तो हम लोग आ जाएं। अरे हाँ भाई, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ। गाइस ये देखो यार, हम लोग पहुँच चुके हैं इसके छत पे। और भाई इस घर में कोई था नहीं तो यार मजा ही आ गया। और ये कार क्या ही शानदार लग रही है भाई, ये तो एकदम यार मेरे टी शर्ट से मैच कर रही है। और भाई इस कारण से ये कार हमारी ही होनी चाहिए। और घर पे कोई है नहीं तो हम लोग टास्क कंप्लीट करके फटाफट इस गेट को ओपन करेंगे और इस कार को ले लेंगे। अरे यार मैं तो यार दोबारा से नीचे गिर गया। चलो कोई बात नहीं भाई, फिर से मैं ऊपर आ चुका हूँ। और भाई अब बस इसका पेपर ढूंढे यार। पेपर कहाँ पे है भाई साहब? यार यहाँ पे सिंचैन पेपर तो दिख ही नहीं रहा यार, जिस पर टास्क लिखे रहते हैं। फ्रैंकलिन भैया ढूंढो ना, वहीं कहीं आसपास होगा। भाई मैं सब जगह ढूंढ लिया यार, कहीं भी नहीं दिख रहा है। ओ हाँ भाई ये रहा। चलो यार पेपर हमें मिल चुका है, इसे उठा के पढ़े यार इस पे क्या लिखा है। वैसे सिंचैन इस पे तो यार दोबारा से ट्रेन कलेक्ट करने को लिखा है। इस पे लिखा हुआ है कलेक्ट 2 रेयर ट्रेन्स। और भाई सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है किल दिस माफिया। भाई ये कौन सा माफिया है यार जो गिटार बजा रहा है। चलो भाई ठीक है, हमें फोटो एटलीस्ट मिल गया है और शायद मैं लोकेशन ये जान रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट है लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस आप लोग फटाफट इस वीडियो पे लाइक करो और हम लोग गाइस निकलते हैं यार ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। सिंचैन तैयार हो जाओ, जल्दी से हमें चलना है। हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया आप बाहर तो निकलो, हम लोग आ गए हैं। हाँ तो चलो फिर भाई फटाफट अपनी कार निकालो। गाइस ये देखो यार हमारे गैराज में है एक शानदार सी सुपर कार जिसे हमने जल्दी ली थी। आ जाओ भाई सिंचैन जल्दी बैठो। फ्रैंकलिन भैया वैसे लोकेशन
लोकेशन कहाँ जाना है हमें? भाई सब कुछ मैं जानता हूँ, सारा कुछ उस मैप पे था, फटाफट अब बस बैठ जाओ तुम। एंड गाइस ये देख सकते हो यार, हम तीनों बैठ चुके हैं और अब जल्दी से निकलते हैं हम लोग भाई पहले लोकेशन पे, जो कि भाई उस पेपर पे लिखा हुआ था। हाँ दोस्तों, और आप लोग भी जल्दी से अब इस वीडियो पे लाइक कर दो। बिल्कुल भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना तो आप लोग मत भूलना। चलो अब हम लोग जल्दी पहुँचते हैं अपनी पहली ट्रेन को लेके आने। तो गाइस अभी यार टाइम देख सकते हो यार, 12:30 बज चुके हैं मेरे मोबाइल में, और भाई 12:30 बजे इधर से अभी एक ट्रेन आने वाली है, और वो देखो भाई सिंचैन ट्रेन आ चुकी है। एंड गाइस यार इसी ट्रेन के सबसे लास्ट वाला जो इंजन लगा हुआ है वो भाई काफी ज्यादा रेयर इंजन है, और हमें यार उसी इंजन को लेके यहाँ से निकलना है। जल्दी फ्रैंकलिन भैया, ट्रेन निकल जाएगी। हाँ भाई, बस मैं उठ गया हूँ, और भाई हम लोग यार इस ट्रेन पे आ चुके हैं। सिंचैन तुम बस वहीं पे वेट करो, मैं इस ट्रेन को यहाँ से निकाल के ले आऊंगा। और भाई साहब ये वाली ट्रेन देखो यार, लास्ट वाली जो देख सकते हो आप लोग इंजन, यूनियन पैसिफिक, इसी को हमें लेके यहाँ से निकलना है। ये इंजन भाई बहुत ज़्यादा रेयर है GTA 5 में, और भाई यार ये कोई आम इंजन नहीं, क्योंकि सामने वाला इंजन आप लोग देख लो कितना पुराना टाइप का है, लेकिन ये भाई नए जमाने का इंजन है। तो चलो भाई यहाँ से हम लोग इसे अब निकालते हैं बाहर और लेके भाई से निकलते हैं अपने घर की तरफ। और हाँ भाई, हम लोग यार इस इंजन को लेके निकलने वाले हैं रोड से, तो चलो भाई फटाफट हम लोग इसे अभी बाहर करते हैं यहाँ से। और भाई ये देख लो यार, हमने इसे डिटैच कर दिया है। एंड यार अब हम लोग जल्दी से इसमें बैठते हैं और इसे लेके यहाँ से निकल लेते हैं। भाई क्या शानदार काम हमने किया है, वो ट्रेन अब निकल चुकी है और ये इंजन हमने अलग निकाल लिया है। तो चलो भाई अब फटाफट इस पे बैठे हम लोग, और भाई अब हम लोग बस इस ट्रेन को लेके निकलते हैं यार वहीं सिंचैन के पास और चौप के पास, जहाँ वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। फ्रैंकलिन भैया, मिल गई आपको ट्रेन? बिल्कुल भाई, कैसे नहीं मिलती, मैंने यार गजब दिमाग लगाया है अपना, पीछे से भाई यार इसका हुक ही अलग कर दिया ताकि भाई ये इंजन अलग हो जाए और वो ट्रेन वैसे ही निकल जाए। चलो फ्रैंकलिन भैया अब जल्दी से हम लोग को भी बैठाओ। बिल्कुल भाई, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। चलो भाई अब फटाफट इन दोनों लोगों को जल्दी से बैठाते हैं। फ्रैंकलिन भैया ये ट्रेन तो बहुत ज्यादा ऊंची है, मैं कैसे बैठूंगा? भाई सिंचैन कोशिश करो यार, तुम घुस जाओगे। फ्रैंकलिन भैया मैं इंजन से होते हुए आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, तुम जहाँ से भी आओ बस आ जाओ बैठ जाओ। और गाइस अब हम लोग जल्दी से निकले यार, सिंचैन और चॉप दोनों बैठ चुके हैं और अब हमें बस इसे लेके चलना है अपने घर पे। और ये लो सिंचैन, मैंने यार इस ट्रेन को ले आ दिया है। फ्रैंकलिन भैया इसका जरा हॉर्न बजाना। लो भाई यहाँ पे हमने इसका हॉर्न भी बजा दिया है। और भाई कैसा लगा तुम्हें इस ट्रेन का हॉर्न, बताओ जरा। फ्रैंकलिन भैया ये तो बहुत ज्यादा तेज है। हाँ भाई मुझे भी लगता है बहुत तेज हॉर्न बजाए। चलो भाई अब यार हम लोग निकलते हैं सेकंड ट्रेन को लेके आने। फ्रैंकलिन भैया चॉप को भी तो उतारो। अरे हाँ भाई चॉप, नीचे उतरो यार कि अंदर ही बैठे रहोगे। आ रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया, क्यों गुस्सा कर रहे हो आप, मुझे अंदर बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, आ जाओ जल्दी से, मैं बाहर यार कार के पास इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। और भाई वो कार जल्दी अब हमारी होने वाली है। तो भाई अब यार हमारी जो सेकंड ट्रेन है उसका लोकेशन यहाँ दिया गया है, और भाई यहाँ पे जहाँ ट्रेन्स वगैरह सारी बनती है यहीं पे कहीं है। फ्रैंकलिन भैया वो देखो, ब्लू वाली ट्रेन कुछ अलग सी लग रही है। हाँ भाई मुझे लगता है यही ट्रेन है क्या। सिंचैन एक बार तुम यार देखना यार उस मैप पे। फ्रैंकलिन भैया यही वो ट्रेन है, मैंने मैप पे मैच कर लिया है। अच्छा भाई ठीक है, फिर यार इसी ट्रेन को हमें लेके चलना है। एंड ये तो यार कोई जैपनीज ट्रेन लगती है, इस पे देखो भाई जैपनीज में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। और गाइस यार ऐसी ट्रेन भी यार आपने नहीं देखी होगी नॉर्मली, और भाई ये सारी ट्रेन बड़ी स्पेशल टाइप की है यार। चलो इसे अब हम लोग ड्राइव करते हैं। और भाई यार हम तीनों यार इस पे बैठ चुके हैं, लेकिन भाई ये तो यार इलेक्ट्रिक से चलने वाली है ना, फिर ये कैसे ड्राइव हो रही है। फ्रैंकलिन भैया जब ये जमीन पे चल सकती है तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। वैसे हाँ यार सही कह रहे हो, इसमें भाई हो सकता है यार डीजल से भी चलने का इंजन हो और भाई इलेक्ट्रिक इंजन भी हो। भाई यार देख सकते हो यार ये बिना इलेक्ट्रिक के चल रही है, क्योंकि ऊपर ये जो उठा हुआ है ना, ये भाई इलेक्ट्रिसिटी से जब तक कनेक्ट रहता है तभी तक चलती है। लेकिन भाई इस ट्रेन में पता नहीं क्या फीचर है जिसकी वजह से भाई इसे देख सकते हो कि हम लोग एक डीजल इंजन की तरह भी चला सकते हैं। तो चलो भाई अब इस ट्रेन को भी हम लोग जल्दी से लेके चले अपने घर की तरफ, और भाई बस एक काम और करके हम लोग ले यार उस शानदार सी सुपर कार को। एंड ये आ चुकी है हमारी ये दूसरी ट्रेन, और अब बस एक काम और रह गया है। फ्रैंकलिन भैया जल्दी करो यार, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। बिल्कुल भाई, मैं भी चाहता हूँ यार जल्दी से हम लोग एक काम और खत्म करें, उस माफिया को मारें जिसने भाई गुंडागर्दी मचाई है इस पूरे GTA 5 में। जैसा कि भाई
भाई उस परिचय पे लिखा हुआ था। हाँ फ्रैंकलिन भैया, चलो जल्दी से चलते हैं। बिल्कुल भाई चौप, फटाफट तुम भी बाहर निकलो, हम लोग चलते हैं यार। सबसे पहले एक शानदार सी गन लेंगे जिससे भाई हम लोग स्कोप लगा के उसे मार सकें। आ जाओ भाई सिंचन, जल्दी आ जाओ। हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं आ रहा हूँ। चलो भाई, तो इस काम के लिए हम दोनों ही जा रहे हैं क्योंकि चौप यार उस ट्रेन पे ही मजे कर रहा है। तो गाइस यार बस एक काम रह गया है, उस हम लोग फोटो को दोबारा से देखते हैं। और भाई ये फोटो मुझे लगता है यार पुलिस स्टेशन के आसपास क्लिक किया गया है। चलो भाई अब वही पता चलेगा पहुंच के कि हमें यार ये गिटार वाला आदमी मिलता है या फिर नहीं। एंड गाइस ये सामने आ चुका है एम्यूनेशन जहां से हम गन लेने वाले हैं। सिंचन तुम भी गन लोगे या मैं ही ले लूं? बस भैया आप ही ले लो, मैं नहीं लूंगा गन। चलो ठीक है भाई, तो तुम बस यहीं पे वेट करो या आना चाहो तो आ भी सकते हो मेरे पास। वैसे भी भाई यार सिंचन की अभी उतनी एज नहीं हुई है कि वो गन चलाए। आ जाओ भाई अंदर, हम लोग देखें यहां पे कौन सी गन ले सकते हैं। भाई यार तुम क्या करो यार, मुझे एक फटाक से एक मस्त सा यार स्नाइपर गन निकाल दो। गाइस यार हमें यार उसे दूर से मारना पड़ेगा क्योंकि वो एक माफिया है और भाई वो हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो भाई फटाफट यार एक गन निकालो स्नाइपर वाली। तो गाइस यार हम दोनों ने यार एक एक गन ले ली है। ये देखो भाई मैंने यहाँ पे ये एक स्नाइपर गन ली है और भाई सिंचन भी जिद करने लगा था तो हमने उसे भी एक गन दिलवा दी है। वैसे फ्रैंकलिन भैया मैं इस गन को यूज नहीं करूंगा। हाँ भाई ठीक है, तुम्हें यूज करना भी नहीं चाहिए, हम बस भाई यूज करेंगे यार उस माफिया को मारने के लिए। और भाई सिंचन मेरे ख्याल से यार वो लोकेशन आसपास का ही है क्योंकि भाई फोटो में तो यार ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा था, ब्लॉक्स टाइप का कहीं पे। हाँ फ्रैंकलिन भैया आप सही गैस कर रहे हो। बिल्कुल भाई, और मेरे ख्याल से यही वो जगह है। फ्रैंकलिन भैया वहाँ कोई गिटार बजा रहा है। हाँ भाई वो आदमी देखो उधर गिटार बजा रहा है और उसी को हमें खत्म करना है। फ्रैंकलिन भैया चलो जल्दी से पीछे से छुपते हैं हम लोग। हाँ भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी बाइक लगा देता हूँ। आ जाओ भाई सिंचन पीछे पीछे, हम लोग यार इस घास में छुप के उसे मारने वाले हैं। फ्रैंकलिन भैया संभल के हमारे पीछे पुलिस न लग जाए। नहीं भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई हम लोगों को देखे नहीं। हम लोग क्या करते हैं यार इस घास के अंदर छुप जाते हैं। और भाई ये देखो ये रहा वो बंदा जिसे खत्म करना है। सबसे पहले तो भाई हम लोग मारते हैं इसके। और भाई ये देख सकते हो यार हमने इसे मार दिया है। एंड गाइस अब हम लोग जल्दी से निकलते हैं यार, अपना काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। और भाई यार हमारी बाइक कहाँ गई? फ्रैंकलिन भैया जल्दी बैठो बाइक पे। हाँ भाई तुम कहाँ पे हो यार, तुम तो आओ। फ्रैंकलिन भैया मैं आ रहा हूँ आपके पीछे। भाई सिंचन जल्दी करो यार, प्लीज कोई आ जाएगा। फ्रैंकलिन भैया जल्दी जल्दी चलो अब यहाँ से। हाँ भाई यार निकलते हैं अब हम लोग जल्दी से अपने घर पे। और भाई हमारा यार सारा काम कंप्लीट हो गया है। और भाई अगर आप लोग भी यार लाइक सब्सक्राइब कर दिए होगे अभी तक तो भाई पक्का यार हमारा वो गेट अब तक खुल गया होगा। और चल के अब बस फटाफट देखते हैं। वैसे सिंचन तुम्हें क्या लगता है यार वो गेट अब तक खुल गया होगा या फिर नहीं? फ्रैंकलिन भैया अगर सब लोग लाइक सब्सक्राइब किया होगा तो पक्का खुल गया होगा। हमने अपना काम तो कर दिया है। हाँ तो चलो फिर भाई फटाफट आओ अब हम लोग चल के देखते हैं। और गाइस यार देखें भाई यार इधर आगे से कोई रास्ता है क्या यार जाने का? भाई यहाँ पे एक रास्ता शायद मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रैंकलिन भैया ये रास्ता आपको पहले क्यों नहीं दिखा? भाई सच में यार ये रास्ता था तो आसान सा जाने का, लेकिन मैं शायद यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ क्या भाई। लेकिन वो देखो यार खुल गया है वो वाला दरवाजा और अब हम लोग यार इस कार को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। फ्रैंकलिन भैया मुझे भी ड्राइव करना है इस कार को। भाई ये कितनी ज्यादा मस्त लग रही है यार, आप लोग देखो एक बार। भाई सच में यार यहाँ से ये निकल पाएगी ना? फ्रैंकलिन भैया कोशिश करो निकाल लेना इसे आप। हाँ भाई ये देख लो मैंने यहाँ पे इस कार को बाहर निकाल लिया है। थोड़ी सी ये गिर गई है लेकिन हमने सीधा कर लिया। फ्रैंकलिन भैया मुझे भी तो बैठाओ इस पे। हाँ भाई बैठ जाओ यार, मैं कब मना कर रहा हूँ। हाँ फ्रैंकलिन भैया कितना ज्यादा मजा आ रहा है। चौप तुम तो रहोगे अंदर ही ना? फ्रैंकलिन भैया वो सो रहा है, मैं अभी जाके देखा हूँ। चलो फिर हम लोग चलते हैं यार घूमने के लिए, उसे सोने दो। फ्रैंकलिन भैया चलो जल्दी से हम लोग चले एयरपोर्ट पे। ठीक है भाई चलो जल्दी चलते हैं एयरपोर्ट पे घूमने के लिए। चलो गाइस मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय।